गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप वी आर फाइन एवरीवन. वेलकम बैक अवर मैथमेटिक्स क्लास. नाउ वी आर लर्न अबाउट क्वेश्चन थर्ड, वर्ड प्रॉब्लम. बट नाउ प्रीवियस वीडियो वी आर लर्न अबाउट क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, चैप्टर 11.3 मनी. नाउ कम टू द पॉइंट. मधु बोट एट बुक्स. मधु के पास एट बुक्स थी. ईच कॉस्टिंग रुपीज़ 108.50, यानी 108.50 रुपये. एक जो बुक है ना, उसकी कॉस्ट है. सपोज़ करो कि वो बुक आपकी मैथ की है. मैं सपोज़ करने के लिए कह रही हूँ, एक्चुअल में ओपन करके देखने मत लग जाना बेटा. मेरे कहने का मतलब है कि आप मान लो, सपोज़ करो, मतलब मान लो कि आप 108 रुपये की वो बुक है आपकी. इफ़ शी गेव द शॉपकीपर रुपीज़ 1000, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास खुले पैसे नहीं थे, 1000 रुपीज़ आप शॉपकीपर को दे देते हैं. हाउ मच मनी विल बी रिटर्न? वो इतने रुपए काट के आपको वापस कितने देता है? क्योंकि आपने 8 बुक्स खरीदी और एक बुक का जो रेट है, पैसे हैं, वो 108.50 रुपये, और आपने 8 खरीदी हैं, तो बताइए कि उसमें से 8 बुक्स के पैसे काट के वो आपको वापस कितने पैसे देता है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलो जी, अब आगे और इसको सोल्व करते हैं. मैंने क्या लिखा है कि वन बुक कॉस्ट है 108.50 रुपीज़. आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा ये सर. इसके बाद मैंने लिख दिया कि एट बुक कॉस्ट है. उसको क्या किया मैंने, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टेटमेंट को. 108.50 रुपये को 8 से, 800, 85 जा 40, 4 यहाँ पे आ गया. 8 8 जा 40 64, और 4 68, 8 1 जा 8, ये आ गया हमारे पास पूरा. 8 बुक्स की कॉस्ट आ गई है मेरे पास कितनी, 868 रुपीज़. ठीक है, ये तो आ गई मेरी किसकी, 8 बुक्स की कॉस्ट. फिर मैंने कहा मधु गेव शॉपकीपर. मधु ने शॉपकीपर को कितने दिए, 1000 रुपीज़ दिए. स्पेंड मनी उसने कितने, 868 रुपीज़ क्या कर लिए, कट कर लिए. बचे कितने, 132 रुपीज़ मेरे पास क्या है बस. हाँ जी, 132 रुपीज़ आपको उसने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, दे दिए आपको 132 रुपीज़. ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा साफ नज़र नहीं आ रहा इस, यहाँ पे है 132, जो यहाँ लिखा है ना वही मैंने यहाँ राइट किया है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल हैड रुपीज़ 600. शीतल के पास 600 रुपये हैं एंड सी टुक 250 रुपीज़ मोर. उसने 250 रुपये और ले लिए. शी बोट सिक्स वेसल ईच कॉस्टिंग 125.70, यानी 125.70 रुपये. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर नाउ? तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे, यानी 600 रुपये थे, 250 रुपीज़ और ले लिए उसने, कितने हो गए? अगर हम 600 के अंदर 250 ऐड करें तो कितने हो गए, 850, यानी 850 रुपये हो गए उसके पास. और उसने 6 वेसल खरीद ली. वेसल्स खरीदने के बाद एक की कॉस्ट है 125.70 रुपये, तो 6 की कितनी होएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 850 में से वो घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा हमारे पास लेफ्ट कितने बचे. ठीक है ना जी, चलते हैं आंसर की तरफ. शीतल हैड 600. फिर मैंने क्या कहा, शी टुक मोर, 250 रुपये और ले लिए उसने, 250, दोनों को ऐड कर दिया, 850 रुपीज़ हो गए. ठीक है, ऐड करने का. फिर उसने वेसल कॉस्ट कितनी है, एक वन ईच, ईच का मतलब होता है वन, कॉस्ट कितनी है, 125.70 रुपीज़. इसके बाद आता है सिक्स वेसल की आएगी, 125.70 मल्टीप्लाई सिक्स, 600 0 0 6 4 7 जा 42 का 2 4 कैरी आ जाएगी, 6 5 जा 30 और 4 34, 3 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 आ गया, 6 7 6 7, यानी 750 रुपीज़ पॉइंट में 20 पैसे हमारे, 20 पैसे, यानी 6 754 रुपीज़ 20 पैसे. तो टोटल तो थे हमारे पास 850. स्पेंड मनी दिस, तो लेफ्ट कितने हुए कट करने के बाद, बचे हमारे पास 95 रुपीज़ 80 पैसे. 95 रुपीज़ 80 पैसे हमारा आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास सी, वन डे कार्ट कॉस्ट, टॉय कार कॉस्ट, सॉरी टॉय कार्ट कॉस्ट, यानी एक टॉय कार कॉस्ट है 8 रुपीज़ का. तो हाउ मैनी टॉय कार्ट्स
कैन बी बोट फॉर 1856, इतने रुपए के अंदर, यानी 1856 रुपीज, यानी 1856 रुपए में कितने टॉय कार्ट को टॉय कार्ट खरीदे जा सकते हैं। तो इसके आगे हम एक्सप्लेन करते हैं सी पार्ट में। हमें पता है कि एक टॉय कार्ट को की कॉस्ट है 8 रुपये, यानी एक अगर हम टॉय खरीदते हैं, खिलौना खरीदते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 8 रुपये। तो हमें पैसे दे दिए, बताया नहीं कि कितने की कॉस्ट, हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है। 8 से डिवाइड किया, 8 2 16, फिर कट कर दिया, 5 ऊपर से लिया, 25 हो गया, 8 3 24, 1 6 16, यानी ये जो आया ना 232, ये टॉय कार्ट है। 232 टॉय कार्ट जो खरीदेगा तो उसकी रुपीज दे रखे थे ये 1856। कि बेटा आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि 1 पेन कॉस्ट ₹7, सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है कि 1 पेन की कॉस्ट है 7 रुपये। हाउ मैनी पेन्स कैन बी बोट, कितने पेन खरीदे जा सकते हैं 1726 रुपीज़ में। तो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितने पैसे बच जाते हैं। दो चीज़ें पूछी गई हैं बेटा हमारे से, एक तो कि हाउ मनी पेन्स कैन बी बोट, यानी कि कितने पेन खरीदे जा सकते हैं 726 रुपीज़ में। सेकंड क्वेश्चन फिर पुट कर दिया उसने, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितने पैसे शेष बचेंगे हमारे पास। अभी बता देते हैं जी, हम 1 पेन कॉस्ट है 7 रुपीज़, इतने पैसे हमारे पास थे 1726। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 7 2 14, 3 2 32, 7 4 28, कट कर लिया, 46 बच गया, 7 6 42 4, ये हमारे पास 246 तो पेंस है जो हमारे से इतने रुपए में खरीदे जा सकते हैं, और 4 विल बी लेफ्ट ओवर, और 4 रुपये हमारे पास शेष बच गया है, उसमें से ही 4 रुपये बचे हैं हमारे पास। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से और पेंसिल से राइट करके बनानी है, और आप लोगों ने जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक मैथ की नोटबुक कंप्लीट करके चेक नहीं करवाई है वो जल्दी से जल्दी चेक करवा ले। फ्राइडे को 2 o'clock तक, सैटरडे को 9 o'clock के बाद आप सबमिट करवाने आ सकते हैं, और मैं लेके आऊँगी, उनको चेक करूँगी, और मंडे को आप लोगों को रिटर्न कर दी जाएगी। सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी होमवर्क कंप्लीट करवाएं बच्चे को और नोटबुक सबमिट करवाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।